साल 1990 की बात है। टोक्यो के एक अस्पताल में एम्बुलेंस का सायरन गूंज रहा था। उसके चारों ओर कई सारे डॉक्टर इकट्ठा थे। एम्बुलेंस के अंदर कोई आम मरीज नहीं था। अंदर जो नजारा था उसने जापान के बहुत पुराने गांव जिंदा कर दिए थे। नागासाकी और हिरोशिमा परमाणु विस्फोट कोई पीढ़ियां गुजर चुकी थी, लेकिन उस रोज डॉक्टर ने जो नजारा देखा, एक मिनट के लिए उन्हें लगा वो वापिस हिरोशिमा में खड़े हैं। एम्बुलेंस में मरीज के नाम पर एक कंकाल था जिसका मांस उसके शरीर से बस किसी तरह चिपका हुआ था। उसकी स्किन पूरी तरह जल चुकी थी। शरीर के अंदर का द्रव्य इस तरह बाहर आ रहा था मानो कोई किसी कपड़े को निचोड़ रहा हो। शरीर को थामे रखने के लिए पट्टियां बंधी हुई थी। चेहरा खुला था लेकिन आंखों से खून बह रहा था। शख्स अभी जिंदा था, बोल सकता था और एक ही बात बोल रहा था, मुझे मर जाने दो। इस शख्स का नाम था हिसाशी आउची। हिसाशी की पैदाइश साल 1965 में हुई थी। यह वो दौर था जब जापान दोबारा अपने कदमों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए देश को ऊर्जा की दरकार थी। जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की कमी थी। देश को उसी ताकत से मदद लेनी पड़ी जिसने उसे बर्बाद किया था, परमाणु शक्ति। जापान का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर साल 1961 में बना। देखते देखते इनकी संख्या बढ़ती गई। इन न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने वाले लोगों की जरूरत और इनमें से एक था हिसाशी आउची। हिसाशी जिस न्यूक्लियर रिएक्टर में काम कर रहा था वो टोकाईमुरा नाम की जगह पर बना हुआ था। ये जगह राजधानी टोक्यो से लगभग 150 किलोमीटर दूर है और समुद्र से ठीक किनारे है। चूंकि रिएक्टर में काफी पानी का इस्तेमाल होता है इसलिए यह जगह रिएक्टर बनाने के लिए परफेक्ट थी। साथ ही यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट और ईंधन संवर्धन केंद्र भी बने हुए थे। साल 1997 की बात है, टोकाईमुरा के एक रिएक्टर में एक धमाका हुआ। दर्जन भर लोग न्यूक्लियर रेडिएंस की चपेट में आए लेकिन मामला दबा दिया गया। इसके ठीक दो साल बाद एक और घटना हुई। हिसाशी आउची टोकाईमुरा के एक ईंधन संवर्धन केंद्र में काम कर रहा था। मोटा मोटी समझे तो नेचर में पाए जाने वाला यूरेनियम सीधा ईंधन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसे पहले कई प्रोसेस से गुजार कर तैयार करना पड़ता है। यह प्रोसेस काफी लंबी होती है और समय भी ज्यादा लगता है। साल 1990 में टोकाईमुरा के कुछ अधिकारी ने इस प्रोसेस में तेजी लाने के लिए कुछ परीक्षण शुरू किए। ये लोग बीच के कई चरण स्किप कर सीधा रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही थी। इस चक्कर में हुआ ये कि डेडलाइन निकल गई। 28 सितंबर तक फ्यूल तैयार हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, जिसके बाद अधिकारी ने और भी शॉर्टकट तरीका अपनाने का फैसला किया। 30 सितंबर की सुबह के 10 बजे तीन लोग रिएक्ट में काम कर रहे थे, 34 साल का हिसाशी आउची, 19 साल का मसाटो शिनोहारा और इनका सुपरवाइजर 54 साल का युटाका योकोकावा। हिसाशी और शिनोहारा एक टैंक में कुछ केमिकल मिला रहे थे जबकि युटाका उनसे कुछ मीटर दूर अपनी डेस्क में बैठा हुआ था। केमिकल मिलाने के लिए ऑटोमेटिक पंप का इस्तेमाल होता है और पूरी सावधानी से धीरे धीरे यह काम किया जाता है, लेकिन उस रोज जल्दबाजी में हिसाशी और उनके साथियों ने यह काम हाथ से करना चालू कर दिया। जिस प्रोसेस में 5 किलो केमिकल मिलाया जाता था उसमें उन्होंने 35 किलो केमिकल डाल दिया, वो भी स्टील की एक बाल्टी में। बर्तन के आकार और केमिकल की मात्रा के कारण एक चेन रिएक्शन की शुरुआत हुई और करीब 10:30 बजे लैब में एक तेज नीली रोशनी फैल गई। यह रेडियंस से निकलने वाली रोशनी थी। रेडियंस इतना तेज था कि वहां लगे अलार्म बजने लगे। ये अलार्म इमरजेंसी के लिए लगाए गए थे ताकि यदि कमरे में रेडियंस का केवल खतरे से ज्यादा हो तो लोग बाहर भाग सके। हिसाशी और बाकी दो लोग एक दूसरे के कमरे की ओर भागे लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हिसाशी का चेहरा लाल था और वो उल्टियां कर रहा था। बाकी दोनों की हालत उससे बेहतर थी लेकिन वे भी चक्कर खा रहे थे। तीनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर को अंदाजा था कि तीनों न्यूक्लियर रेडियंस के शिकार हुए हैं लेकिन कितना रेडियंस ये बात अभी साफ नहीं हुई थी। बाहर से देखने में हिसाशी और उनके साथ ही चंगे भले नजर आ रहे थे। उन्हें सिर दर्द और उल्टिया की शिकायत थी। डॉक्टर ने उन्हें दवा देकर इलाज करना शुरू कर दिया। अगले दिन उनका टेस्ट हुआ और जब टेस्ट का रिजल्ट सामने आया तो डॉक्टर के होश उड़ गए। हिसाशी आउची के खून में एक भी व्हाइट ब्लड सेल नहीं था, यानी उसका इम्यून सिस्टम पूरी तरह नष्ट हो चुका था। डॉक्टर ने यह पाया कि उसके क्रोमोसोम पूरी तरह खत्म हो चुके थे। क्रोमोसोम यानी इंसानी डीएनए का रॉ मटेरियल। क्रोमोसोम खत्म यानी डीएनए खत्म। डीएनए खत्म यानी शरीर नई कोशिकाएं नहीं बना सकता। इंसानी शरीर में हर वक्त पुरानी कोशिकाएं मरती रहती है और नई बनती रहती है, इसी से हम जिंदा रहते। लेकिन हिसाशी आउची के शरीर में यह प्रक्रिया पूरी तरह बंद पड़ चुकी थी। उसका शरीर नई कोशिकाएं नहीं बना पा रहा था। 3 दिन बाद इस रेडियंस का असर दिखाई देना शुरू हुआ और तीनों को तुरंत टोक्यो के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। हिसाशी की हालत सबसे नाजुक थी। जब तक उसे बड़े अस्पताल में ले जाया गया उसकी त्वचा गलनी शुरू हो चुकी थी। शरीर का पूरा लिक्विड बाहर गिर रहा था जिसके कारण उसे पट्टियों में बांध कर रखा गया था। उसके शरीर में खून बनना बंद हो चुका था और दर्द के मारे वो तड़प रहा था। डॉक्टर ने अंदाजा लगा लिया था कि उसका बचना मुश्किल है, इसके बावजूद इलाज जारी रहा। ये एक तरीका था एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट का जिसके सफल होने की संभावना लगभग शून्य थी। डॉक्टर ने उसकी बांध
के स्टेम सेल लेकर उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए। इसका शुरुआती असर देखने को मिला, लेकिन जल्दी ये भी फेल हो गया क्योंकि उसका शरीर हद से ज्यादा रेडियंस का शिकार हो चुका था। हिसासी इतने दर्द में था कि उसने कई बार डॉक्टर से इलाज रोकने के लिए कह दिया था। वो किसी तरह दर्द से बचना चाहता। दुर्घटना के 59 दिन बाद एक रोज हिसासी को हार्ट अटैक आया। ऐसे हालत में उसकी मौत निश्चित थी। डॉक्टर ने हिसासी के परिवार से पूछा कि क्या ऐसी हालत में उन्हें हिसासी को जिंदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार को भी अभी उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने डॉक्टर को हिसासी को बचाने की कोशिश करने को कहा। 3 बार हार्ट अटैक आने के बाद भी डॉक्टर हिसासी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब उसे होश में लाया जाता वो एक ही बात कहता, मुझे मर जाने दो। हिसासी की ये ख्वाहिश 21 दिसंबर को पूरी हुई। 83 दिन तक दर्द से तड़पने के बाद उनकी मौत हो गई। उसके बाकी 2 साथियों का क्या हुआ? उसका साथी मसाटो शिनोहारा 7 महीने तक जिंदा रहा। उसके बाद लीवर फेलियर से उनकी भी मौत हो गई। उनका सुपरवाइजर यूटा का योको कावा बच गया, लेकिन उसे लापरवाही बरतने के जुर्म में जेल की सजा हुई। टोकेमुरा में जहाँ ये दुर्घटना हुई, करीब 3,00,000 लोगों को घर के अंदर बंद रहने को कहा गया। उन सभी का परीक्षण हुआ और किस्मत से किसी में भी रेडियंस की मात्रा ज्यादा नहीं पाई गई। न्यूक्लियर रिएक्टर इसके बाद भी काम करता रहा। साल 2011 में जापान में आई सुनामी के बाद रिएक्टर पूरी तरह बंद हो गया। इस साल फुकुशिमा न्यूक्लियर रिएक्टर भी सुनामी की चपेट में आया था, जिसके बाद लाखों लोगों को उस एरिया से बाहर निकलना पड़ा था। फुकुशिमा रिएक्टर से फैला रेडियंस करोड़ों लीटर पानी में फैला गया था, जिसे ट्रीटमेंट करने के लिए बाद में 2023 में धीरे धीरे समुद्र में छोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस न्यूक्लियर रेडियंस के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो नॉलेजेबल लगा तो ही सब्सक्राइब करना।